Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of Achievers. So here it is 27th of July 2020 and we are going to take today's the Hindu news analysis. Okay, so first of all let's take the boosting line. Sometimes life is about risking everything for a dream no one can see but you. Kai baar hum jeevan mein kuch ऐसे फैसले लेते हैं जो पूरी तरीके से लाइफ रिस्क पर बेस्ड हो जाती है और वो सिर्फ एक ड्रीम के लिए होती है जिसे और कोई नहीं देख सकता, सिर्फ आप देख सकते हैं. इफ़ यू हैव द ड्रीम टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर और एनी इंडिविजुअल ड्रीम दैट यू आर टेकिंग विथ यू, यू कैन ओनली सी एंड यू नो दैट योर लाइफ इज़ रिस्क ऑन अ रिस्क फैक्टर फॉर दैट ड्रीम ओनली. सो गिव योर बेस्ट, always do your best and always try your best. Don't ever give up. Okay, so let's take today's analysis. The first news is about India and China. 200 proposals from China wait for security clearance by Ministry of Home Affairs. Basically about 200 investment proposals from China are waiting security clearance from Ministry of Home Affairs after new rules were notified in April. April में कुछ नए rules impose कर दिए गए थे जिसके अंदर prior government जो है approval mandatory है. आपको कोई भी ऐसी situation या कोई भी step लेने से पहले FDI से related कोई भी जो है किसी भी कंट्री के साथ में, अगर आप जो भी बॉर्डर शेयर कर रही है इंडिया जो भी कंट्री के साथ में, उसके साथ में कुछ भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल की ज़रूरत है. तो इसके तहत 200 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑलरेडी जो है चाइना की तरफ से हैं जो कि सिक्योरिटी क्लियरेंस की वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से. ओके, ग्रेटर स्क्रूटिनी की बात करें तो द चेंज इन एफडीआई पॉलिसी हैज़ लेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर टेकिंग अ क्लोजर लुक एट फॉरेन इन्वेस्टर्स. एज पर एफडीआई पॉलिसी ऑल प्रपोजल्स फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स इन नॉन क्रिटिकल सेक्टर्स वर क्लियर्ड थ्रू द ऑटोमेटिक रूट एंड दोज इन सेंसिटिव sectors were sent to the Ministry of Home Affairs for security clearance. Allowing changes in FDA policy in April, all proposals from China or Chinese origin investors, even non-critical sector, are required to get prior approval and security clearance by Ministry of Home Affairs. So somewhere we can say कि हम कोई भी activity कर रहे हैं China के साथ में, कोई भी activity, तो उसके लिए हमें पहले government का approval लेना, government से जो है approval लेना ज़रूरी हो जाता है. Prior government approval और security clearance from Ministry of Home Affairs was required to invest in critical sectors. कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, जैसे डिफेंस लीजिए, मीडिया लीजिए, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट से रिलेटेड है, प्राइवेट सिक्योरिटी से रिलेटेड है, या सिविल एविएशन, माइनिंग, और भी कई सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के तहत भी जो है पेंडिंग चल रही है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस इज़ टू इवेल्यूएट पोटेंशियल थ्रेट्स इन प्रपोजल्स रिसीव्ड. जो भी प्रपोजल हमें मिल रहे हैं उससे रिलेटेड प्रपोजल्स के, देखिए ऑलरेडी LOC LAC से रिलेटेड जो भी इश्यूज, नेपाल से रिलेटेड जो भी इश्यूज चल रहे थे हमारे, उन सबको देखते हुए ये ज़रूरी है कि हम अपनी सिक्योरिटी को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि किसी भी कंट्री के साथ में जो हमारे रिलेशंस हैं वो अभी इन दिनों काफ़ी कह सकते हैं डावाडोल चल रहे हैं. उसी को देखते हुए हमें अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है और ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई भी प्रपोजल आ रहा है तो उसे रिसीव या एक्सेप्ट करने से पहले वी हैव टू गो थ्रू द सिक्योरिटी मेजर्स. ओके, और कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स है जिसको अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस, या मीडिया ले लीजिए, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज. तो ये सारे ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जहाँ से हमारी सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा खतरा होता है ना. तो उन सब के देखते हुए जो है 200 प्रपोजल्स ऐसे हैं जो चाइना अभी भी वेट कर रही है जिसके सिक्योरिटी क्लियरेंस की हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. ओके, तो लेट्स सी कि कब सरकार इस कोई डिसीजन लेती है और उससे रिलेटेड क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ बेस्ड ऑन दिल्ली गवर्नमेंट इज़ टू लॉन्च जॉब पोर्टल टुडे.
केजरीवाल ने अनाउंस किया है कि वो जो है सिक्योर रिवाइव इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कुछ सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करते हुए जॉब पोर्टल को आज लॉन्च करने जा रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट एंड लेबर गोपाल राय सेड दैट चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल वुड लॉन्च ए जॉब पोर्टल ऑन मंडे टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने के लिए और दिल्ली की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इस पेंडेमिक के दौरान जिसको सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुई है वो है दिल्ली की इकोनॉमी, इस सब चीज़ों को अगेन जो है ट्रैक पे लाने के लिए रिवाइव करने के लिए हम लोग एक जॉब पोर्टल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट द दिल्ली गवर्नमेंट सेड वॉज द फर्स्ट इन द स्लू ऑफ मेजर्स दैट दी मिस्टर केजरीवाल विल बी अनाउंसिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वीक फॉर द इकोनॉमिकल रिवाइव इन दिल्ली। दिल्ली में इकोनॉमिक रिवाइव के लिए जो भी स्टेप्स लेने हैं उसके अंदर ये पहला अपने आप में ऐसा इनिशिएटिव है जिसके तहत जो है एम्प्लॉयमेंट के थ्रू इन क्राइसिस को ओवरकम करने की कोशिश की जाएगी, इन क्राइसिस से होने वाले इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स को ओवरकम करने की कोशिश की जाएगी। ओके सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट, बट हेयर इट इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और वेरी गुड इनिशिएटिव एट ऑल। ओके द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एडिटोरियल सेक्शन सॉरी द चिलिंग इफेक्ट ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इट इज़ ऑल अबाउट क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इट इज़ रिग्रेटेबल दैट जजेस बिलीव दैट साइलेंसिंग क्रिटिसिज्म विल हार्बर रिस्पेक्ट फॉर द जुडिशरी। क्रिटिसिज्म को अगर साइलेंस कर दिया जाता है तो जुडिशरी का जो रिस्पेक्ट है उसको जो है पॉइंट आउट नहीं किया उसे हार्बर किया जा सकता है, ऐसा जो है जजेस का मानना है। तो ये अपने आप में रिग्रेटेबल है। दीज आर स्ट्रेंज टाइम्स वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। अभी बहुत ही बुरे वक्त से हम ऑलरेडी गुजर रहे हैं। द पैंडमिक हैज़ ब्रॉट ऑल एक्टिविटीज़ टू अ वर्चुअल स्टैंड स्टिल इवन एज वर्क प्लेसेज एंड इंस्टीट्यूशंस आर स्लोली एंड टेंटेटिवली गेटिंग बैक ऑन देयर फीट। जैसे जैसे धीरे धीरे जो सारी सिचुएशंस कंट्रोल में लाने के लिए नॉर्मलसी लाने के लिए वर्क प्लेसेस और इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे अपने नॉर्मल शेड्यूल में आना स्टार्ट हो चुके हैं, द फोकस इज़ ऑन इंश्योरिंग दैट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स गेट डन फर्स्ट। अब फोकस ये है सरकार का कि सबसे पहले वो सारी चीज़ें हो, उन सारी चीज़ों को फुलफिल किया जाए, कंप्लीट किया जाए जिनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। प्रायोरिटीज़ आर बीइंग आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंगली फॉर दी और उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रायोरिटी को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, या हम कह सकते हैं जो वर्क हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा कि कौन सा पहले इम्पॉर्टेंट है उसी के अकॉर्डिंग उसे प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटी केसेज टू टेक अप फर्स्ट इन अ पेंडेमिक स्ट्रिक्ट शेड्यूल स्ट्रिक्ट शेड्यूल ought not to be very difficult. There are dozens of constitutional cases that needs to be desperately addressed. देखिए सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो उनके अगर वो उनके ट्रैक पे आने की, देखिए इंडस्ट्रीज़ वगैरह सारी चीज़ें अगेन अपने ट्रैक पे आ सकती है और आ रही है, बट एक जुडिशरी ऐसा सिस्टम है जो अपने लेवल पे ही अपने जो वर्किंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ सकता है, उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर सकता है। इसी फील्ड में अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो उनकी प्रायोरिटी को अगर मद्देनज़र रखते हुए बात करें तो ऑलरेडी उनकी प्रायोरिटीज़ में डजन्स ऑफ ऐसे केसेस हैं जो ऑलरेडी प्रायोरिटाइज होने चाहिए, जिनको जो प्रायोरिटी रखते हैं या जिनकी इम्पोर्टेंस है ना, सच एज़ द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ द या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया था, सिटीजनशिप कैब जो बिल आया था सिटीजनशिप को लेकर, उससे रिलेटेड जो इश्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं, जो पटिशन्स ऑलरेडी लगाई गई है जम्मू कश्मीर के एक्ट पर, तो ये सारी चीज़ें ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें एट प्रेजेंट जो है अर्जेंटली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की रिक्वायरमेंट है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट एंड क्या जो है, देखिए अगर इंडिया के फील्ड की बात करें वर्किंग एरियाज़ की तो बहुत वाइड फील्ड है। कोई अगर हम बात करें सिक्योरिटी बेसिस पर हम लोग काफ़ी लो हैं, लेकिन वर्क बेसिस पर हम काफ़ी हाई हैं और डिसीजन मेकिंग बेसिस पर भी काफ़ी हाई हैं। तो ये जो पूरा आर्टिकल है ये इसी पर बेस्ड है कि कैसे जो है इन सारे जो जो भी इफ़ेक्ट्स हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट के जो इफ़ेक्ट हैं वो कैसे चिलिंग है होते हैं या उनसे रिलेटेड क्या जो है
तो देखिए कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बेसिकली इंडिया के फील्ड्स भी, ऑलरेडी इंडिया का बहुत बड़ा वाइड एरिया है जिसके अंदर बहुत सारे एक्सक्लूसिव मुद्दे हैं जिनको एज ऑफ नाउ रिक्वायरमेंट है सेटलमेंट्स की। उसी के साथ में अगर हम अब्रॉड की बात करें या हमारे जो फॉरेन रिलेशंस है उस पर बेस्ड काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जो रिसेंट जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स की या जुडिशल सर्विसेज या जुडिशल एक्शंस की। और इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद में, दो ऑब्जर्वेशंस के बाद में, अल्टीमेटली जब हम इसे लिंक आउट करते हैं सिमल्टेनियसली विद द इंडियन सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन टू कमेंस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट मिस्टर भूषण के अगेंस्ट जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो एक्शन के लिए जा रहे हैं, एंड हिंटेड एट बैनिंग यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग वॉट इज़ टर्म्ड ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट दैट इंसाइटेड हेट्रेड फॉर इंस्टीट्यूशंस सच एज द आर्मी द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव एंड सो ऑन द या सॉरी द ईरी सिमिलर इन जुडिशरी है ये या द सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन सॉरी सो द ईरी सिमिलरिटी बिटवीन द ओके सॉरी सम देखिए कुछ मिस प्रिंट है या मुझे लग रहा है कि कुछ यहाँ पे जो है वर्ड्स क्लियर नहीं हुए हैं। ओके नो इशू एट ऑल। बिटवीन द टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन रेज कंसर्न्स अबाउट विच डायरेक्शन द इंडियन सुप्रीम कोर्ट सीज इटसेल्फ हेडिंग। ओके वन कैन ओनली होप दैट दीज फियर्स आर अनवॉरंटेड। देखिए समवेयर अगर इंडियन जुडिशरी सर्विसेज की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पे हैं, काफ़ी डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। जैसे सीएबी की बात करें हम, सिटीजनशिप वाली बिल की है ना, उसको अमेंडमेंट जो किया गया है उसको लेकर आज तक हमें, इवन लॉकडाउन के दौरान भी, पेंडेमिक के दौरान भी हमें काफ़ी शाहीन बाग में और काफ़ी डिस्प्यूट्स देखने को मिले। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी ऐसे कई मुद्दे हैं, मिस्टर भूषण का जैसे मुद्दा ले लीजिए, तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ऑलरेडी जो है बॉर्डर एरिया से चल रहे हैं, नेबरिंग कंट्री से चल रहे हैं, या हमारे इंडिविजुअल इन हाउस जो भी मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों को देखते हुए अगर बात करें, इनको इवेल्यूएट करें, तो इंडिया के पास, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे कई सारे कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज हैं जिन पर डिसीजन भी देना है और उसी के साथ में उन्हें नॉर्मल से लाने की कोशिश करनी होगी, है ना। So let's see what will be the chilling effect of criminal contempt and what is going to be the next for in regards to Supreme Courts and what will be the impact of Supreme Court's decision regarding criminal contempts and other international disputes. So let's see. The next editorial's analysis we are taking is the next editorial is. This article is based on a governor's test. Governor should not act at the behest of the party ruling at the center. Rajasthan Governor Kalraj Mishra ki baat ki gayi hai ya, could have sought a flow test in the state assembly to ensure that the government of CM Ashok Gehlot has a majority. फ्लो टेस्ट की रिक्वायरमेंट थी, उनको फ्लो टेस्ट के थ्रू जाना चाहिए राजस्थान गवर्नर कलराज मिश्र को, जिससे कि ये श्योर हो सके कि राजस्थान की जो सरकार है वहाँ पे मेजॉरिटी अशोक गहलोत की है। एज सून एज अ रेबेलियन इन द रूलिंग कांग्रेस कास्ट अ शेडो ऑन इट फार फ्रॉम दैट द मिस्टर मिश्र नाउ अपीयर्स टू बी बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स टू डिले अ ट्रस्ट वोट। The governor has cited six reasons for the procrastination in calling an assembly session, but the Supreme Court has settled that the governor has no discretionary. देखिए ये सब बात आती है powers की, discretionary powers की बात की गई है governor के जो पावर्स है उनको यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है कि गवर्नर के पास में इतना पावर नहीं है कि वो सेशन के लिए समन जारी कर सके, असेंबली सेशन के लिए, है ना। एंड ही और शी इज़ बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द सीएम। उनको सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस के अकॉर्डिंग ही चलना होगा, अपने लेवल पर वो इस तरह का कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। द गवर्नर कैन रिक्वायर द सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू सीक अ ट्रस्ट वोट इफ ही और शी हैज़ रीजन टू बिलीव दैट दे हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली।
इधर वे अगर उन्हें लगता है कि वो अपना जो असेंबली में अपने जो पावर्स हैं या अपना जो बिलीव है उसे खो चुके हैं, तो उस कंडीशन में जो गवर्नर है उसकी ज़रूरत है कि वो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए अपना एक ट्रस्ट वोट जारी करें। इधर द ओनली अप्रोप्रिएट वे फॉरवर्ड फॉर मिस्टर मिश्र, देखिए राजस्थान की ऑलरेडी गवर्नेंस जो है काफ़ी डिगमगा रही है, काफ़ी डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं गवर्निंग बॉडी के अंदर। इवन राजस्थान में सीएम और जो डिप्टी सीएम सचिन पायलट है और अशोक गहलोत है, उनके बीच में काफ़ी इश्यूज और डिस्प्यूट्स देखे गए हैं। उसी के बाद में सचिन पायलट को जो है पार्टी से बेदखल भी कर दिया गया है, तो समवेयर वी कैन सी दैट काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं। अब इन सारे इश्यूज़ के अंदर एक गवर्नर का क्या रोल होता है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। नाउ एट द स्टेट कैबिनेट हैज़ रिटायर्ड दिस इट्स डिमांड फॉर दिस सेशन। अब देखिए असेंबली सेशन की डिमांड की जा रही है राजस्थान के गवर्नमेंट द्वारा, राजस्थान के सीएम द्वारा। तो इन सब को देखते हुए, इन सब के जो कॉन्सिक्वेंसेज है उनको देखते हुए गवर्नर का क्या रोल रहता है, गवर्नर से क्या डिमांड की जाती है, सरकार की क्या डिमांड होती है या आम जन की क्या डिमांड होती है या इवन आई कैन से कि पार्टीज की क्या डिमांड होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है। द सीएम हैज सेड द गवर्नर इज एक्टिंग अंडर प्रेशर फ्रॉम द सेंटर। सीएम का ऐसा कहना है कि गवर्नर जो अगर कुछ एक्ट करते हैं तो वो भी अंडर प्रेशर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, है ना। सो सेंटर के अंडर में है, सेंटर के प्रेशर में है। एज ही टुक द बैटल टू द स्ट्रीट्स, जैसा कि वो बिल्कुल स्ट्रीट्स तक ले आए हैं बैटल को, कांग्रेस एमएलए सपोर्टिंग द सीएम हेल्ड धरना एट द गवर्नर्स रेजिडेंट। आपको बता दूं कि गवर्नर के रेजिडेंट पर काफ़ी दिनों से जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है सीएम और वह अन्य एमएलएज का, और वो जो कि एमएलएज उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो भी इस धरने में पूरी तरीके से अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। गवर्नर के घर के बाहर जो है उन्होंने धरना दे रखा है कि उन्हें असेंबली का सेशन चाहिए, लेकिन गवर्नर के जो कुछ हम बात कर सकते हैं कि उन रूलिंग पार्टी के तहत गवर्नर का क्या रोल है सेंटर की तरफ से और गवर्नर को कैसे एक्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। द बीजेपी इज़ इम्प्रिंट इन इज़ अनमिस्टेकेबल इन द क्राइसिस इन राजस्थान, इट्स डेनियल अपार्ट। द राजभवन शुड नॉट बी अ टूल टू ऑफ द बीजेपी टू डिसलॉज एंड इंस्टॉल गवर्नमेंट्स एज एंड वेन इट वॉन्ट्स। मिस्टर मिश्र टू हैज़ अ टेस्ट टू पास ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। देखिए सरकार को अचानक से बनाया नहीं जा सकता, गिराया नहीं जा सकता, या सरकार का मतलब ये नहीं है कि आप सारे जितने भी डिसीजंस है या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं उन सबको एकदम ताक पे रख के आप अपने लेवल पे डिसीजंस ले लें। ये सारी चीज़ें बिल्कुल, और ऑलरेडी राजस्थान सरकार अभी इन दिनों काफ़ी हद तक पॉलिटिकल ड्रामा जो है क्रिएट कर चुकी है, और इन सारी सियासी जंग को देखते हुए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इम्प्रेशन काफ़ी रॉन्ग वे में चला गया है। तो देखते हैं कि गवर्नर इस पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। गवर्नर जो अपने आप में एक जो है हम कह सकते हैं एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं अभी, क्योंकि ऑलरेडी सरकार सेंटर से ले लीजिए, बीजेपी आप रूलिंग पार्टी से लीजिए, ये राजस्थान के अंदर है ना। सो इन दोनों के बीच में ऑलरेडी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है गवर्नर द्वारा, ये सारी चीज़ें आगे देखने के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई सरकार अपने स्तर पर कार्य करना चाहती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ले लीजिए या आप जुडिशरी सर्विसेज ले लीजिए या सीएम ले लीजिए, रूलिंग पार्टी लीजिए या सेंट्रल गवर्नमेंट ले लीजिए या आप गवर्नर ले लीजिए, सभी को पॉइंट आउट करें, सभी को जो है अपोज करें। ऐसा जो है कोई भी सिनेरियो क्रिएट नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी अभी राजस्थान गवर्नमेंट में हो रहा है। सो लेट्स सी व्हाट गवर्नर इज़ गोइंग टू बी डू एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ गवर्नर एट ऑल, ये सारी चीज़ें हमें आगे क्लियर होंगी। ओके द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ स्कैंडलाइजिंग एज कंटेम्प्ट, टाइम टू रिविजिट द आइडिया ऑफ स्कैंडलाइजिंग। स्कैंडलाइजिंग के आइडियाज़ को रिविजिट करने का मौका आ गया है, टाइम आ गया है। एंड इन कंटेम्प्ट लॉ अशर इन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, द इनिश
initiative or initiation of proceedings for criminal contempt of court against lawyer activist Prashant Bhushan. Prashant Bhushan से related article है ये, उनसे related जो judicial services है, उनसे related जो argument है उस पर based है ये पूरा article, कि उनके लिए कैसे judgments होने चाहिए, क्या जो उनके लिए क्या जो है scandalizing को से related क्या ideas को revisit करने की ज़रूरत है, और लॉ से रिलेटेड क्या कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं. द लेटेस्ट प्रोसीडिंग्स कंसर्न टू ट्वीट्स फॉर बाय हिम, वन एज अ और वन अ जनरल कमेंट ऑन द रोल ऑफ सम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द लास्ट 6 ईयर्स. पिछले 6 सालों के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रोल है उसको पॉइंट आउट करता है. और वहीं दूसरी तरफ जो टारगेट किया गया है वो द करंट CGI बेस्ड ऑन अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ बेस्ड CGI को. देखिए अभी कल नहीं, हाँ रिसेंट की ही बात है कि CGI जो है वो अपनी न्यू बाइक पर जो है देखे गए लॉकडाउन में, तो उन्हें पॉइंट आउट किया गया कि इतनी महंगी बाइक पर उन्हें कैसे जो है देखा गया. और अच्छा सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया कि वो उनकी बाइक है या उन्होंने परचेज़ किया है, व्हाटएवर कुछ भी. लेकिन क्योंकि CGI जो कि एक फॉर्मल, हमेशा एक फॉर्मल लुक में नज़र आते हैं और बिल्कुल एक रेप्यूटेड पोजिशन पर नज़र आते हैं, तो समवेयर आम जन को ये एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि एक CGI या एक ऑथराइज पर्सन या लॉयर जज की अगर बात की जाए तो वो अपने आप में सारी अपनी नीड्स को या अपनी इच्छाओं को मार कर और वो सिर्फ वैसे प्रेजेंट हो जैसा आम जन चाहते हैं. सो समवेयर वो भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है हमारी सोच पर या हमारी जुडिशल सर्विसेज की सोच पर. तो ये सारी चीज़ें जो है इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है. ओके एंड अनफॉर्चुनेटली इन अ सिस्टम इन विच जजेस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डिस्क्लोज द रीज़न फॉर रिक्यूजिंग देमसेल्व्स एंड इवन चार्ज ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट आर नॉट credible investigated, it is only the fear of scandalizing the judiciary that restrain much of the media and the public from more rigorous examination in the functioning of the judiciary. कैसे judicial services work करती है उस country में जहाँ already judicial services के नाम पर काफ़ी miss जो management है वो देखने को मिलता है, काफ़ी reasons disclose किए जाते हैं अपने आप में, और इवन जो है जिन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट तक का केस दर्ज किया जाता है या जिन पर इस इल्ज़ाम को लगाने के बाद भी जो है प्रॉपर कार्रवाई नहीं होती है, प्रॉपर जो है उसके बारे में डिसीजंस नहीं लिए जाते. तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल पर बेस्ड है कि कैसे आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें आगे जाएगी और कैसे सरकार या आम जन जो है उस पर डिसीजंस जो है पुट करती है. ठीक है, द नेक्स्ट इज़ PM इनॉग्रेट्स टेस्टिंग फैसिलिटी. PM मोदी जी ने जो है 3 COVID-19 टेस्टिंग फैसिलिटी इनोग्रेट की है एंड करने जा रहे हैं वो. टर्न अराउंड टाइम एक्सपोजर्स ऑफ लैब पर्सनल टू रिड्यूस एंड हाई थ्रू आउट COVID-19 टेस्टिंग फैसिलिटी जो है इम्पोज की जा रही है एंड इट विल बी द कैप फैसिलिटीज विल बी कैपेबल टू टेस्टिंग अप टू 10,000 सैम्पल्स अ डे. एक दिन में 10,000 के करीब सैम्पल्स टेस्ट किए जा सकते हैं. And on Monday, according to the statement from the Press Information Bureau, PIB के according जो है 10,000 जो टेस्ट हैं एक दिन में सैम्पल टेस्ट किए जा सकते हैं. ऐसी एक जो जो हम कह सकते हैं कि टेस्टिंग फैसिलिटी है वो PM जो है ऑलरेडी लॉन्च करने जा रहे हैं. दीज फैसिलिटीज़ हैव बीन सेटअप एट द ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा. ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मुंबई. ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलेरा एंड एंटरिक डिजीजेस कोलकाता एंड विल बी एबल टू टेस्ट ओवर 10,000 सैम्पल्स इन अ डे. इन सारी जगहों से कनेक्टेड, इन सारी जगहों का एक मिलकर सेटअप जो है तैयार किया गया है, उसके बेसिस पे ये टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी. ये जो लैब्स हैं विल ऑल्सो रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम एंड एक्सपोजर्स को भी जो है रिड्यूस किया जाएगा लैब पर्सनल्स के अंदर, जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले. इन्फेक्शियस मटीरियल को हमेशा हर समय चेंज किया जाएगा. ये सारी फैसिलिटीज़ के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी. द इवेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, जो ये पूल टेस्टिंग या
टेस्टिंग फैसिलिटी जो इनोग्रेट की जाएगी उसके लिए ऐसा उम्मीद की जा रही है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन एंड दी अलोंग विद दी सीएम ऑफ महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल एंड यूपी विल बी देयर एट इवेंट. ओके सो इट इज़ ऑल अबाउट टूडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस. जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बनते थे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए. आई विल डेफिनेटली डिस्कस और विल लेट यू नो द आंसर्स. ओके एंड हेयर जॉइन आर टेलीग्राम चैनल दैट इज़ अचीव आई एस एडियो मंडला. अदर देन दिस यू कैन विजिट आर वेबसाइट दैट इज़ www.achieveis.co.in एंड वेयर यू कैन गेट द मोर स्टफ और मोर एक्सक्लूसिव मटीरियल. And here the phone number of our the person of Achieve IAS is here. So for any query, any other further information, you can contact us and definitely visit our channels on Telegram and websites also. And don't forget to press on like, share and subscribe button. Okay. And always, because subscriptions will give you the more notifications for our upcoming videos, and along with that, if you will share it, then maximum knowledge will be shared ahead. Okay, so don't forget to do so, and please do like, share, and subscribe our channel. Bye bye, take care, have a great time ahead.